स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। 10 मिनट का फैक्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होता है, आप जानते हैं। आज का जो टॉपिक है, अगर उसकी मैपिंग आपको करनी है तो मैपिंग वाले सेक्शन में वीडियो में आपको मिलेगा, जल्दी ही इसकी मैपिंग हम डाल देंगे और डिटेल में डालेंगे। यहाँ केवल महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वही रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज आपको बता देते हैं, ये 10-10 मिनट का वीडियो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके पास एक प्लेलिस्ट में सारे ऐड रहें। जब आपको एग्जाम नजदीक आए तो 3-4 घंटे में सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो ज्योग्राफी, जैसे अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट दे रहे हैं, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के देंगे, फिर हिस्ट्री के देंगे, इन्वायरमेंट के देंगे, इकोनॉमिक्स के देंगे, साइंस के देंगे, सभी सब्जेक्ट है। करेंट का भी 10 मिनट का फैक्ट आपके पास आएगा, तो इसको अच्छे से देखिए। 10 मिनट में बोलना है, बताना है, समझाना है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। आज का जो टॉपिक हमारा है, विश्व के प्रमुख द्वीप। आज का जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो है विश्व के प्रमुख द्वीप। सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड द्वीप दिख रहा है, तो ध्यान से समझिए है कहां पे। अगर आपसे कॉन्टिनेंट वाइज पूछ लिया जाता तो आप ये कह सकते थे कि नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में है, लेकिन स्थिति किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर का एक द्वीप है, आर्कटिक महासागर। अच्छा, आर्कटिक महासागर को एक और नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव महासागर के नाम से भी जाना जाता है। किसके? उत्तरी ध्रुव महासागर के। दोनों प्रश्न पूछ सकता है, ठीक, हो सकता है आर्कटिक ना देके आपको उत्तरी ध्रुव महासागर दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जहां जहां आर्कटिक लिखा जाएगा वहां वहां आप उत्तरी ध्रुव सागर लिख सकते हैं। अगला, जैसे बैफिन द्वीप या बाफिन द्वीप दिख रहा है, आप जानते हैं कनाडा के उत्तरी भाग में या ग्रीनलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, तो ये भी कहां पे है? आर्कटिक सागर में, आर्कटिक महासागर में स्थित क्या है? द्वीप है, ठीक है, आर्कटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है, या उत्तरी ध्रुव महासागर आप यहां भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विक्टोरिया द्वीप भी कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित है, आपने देखा है जब आपने नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग वीडियो जो हमने डाली, अगर देखा हो तो उसमें आप आसानी से देख सकते हैं, तो यह भी आर्कटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है, ठीक, कहां पे? आर्कटिक महासागर। उसके बाद आप देख रहे हैं एलिस मरे द्वीप, ग्रीनलैंड का सबसे अगर उत्तर पश्चिमी छोर देखेंगे तो वहीं आपको दिखेगा, कनाडा में दिखेगा, आर्कटिक महासागर का यह भी भाग है, आर्कटिक महासागर का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जहां पे आर्कटिक महासागर लिखा है वहां सब पे आप उत्तरी ध्रुव सागर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चार प्रमुख हैं, बाकी बहुत सारे हैं जो आपको मैपिंग के समय दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी आगे हम लोग देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, विक्टोरिया, एलिस मरे, ये सभी आर्कटिक महासागर या उत्तरी महासागर में स्थित द्वीप हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट, अब देखिए आपको एक एक करके दिखाएंगे। बोर्नियो द्वीप दिख रहा है, बोर्नियो द्वीप कहां का है, किस महासागर में है? तो ये हिंद महासागर का पार्ट है, हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। मैपिंग आपको कराएंगे, मैपिंग में देखिएगा, यहां पे केवल याद कर लीजिए। ऐसे भी कभी कभी याद करना मैपिंग से ज्यादा जरूरी होता है कि सारे हिंद महासागर के जितने भी द्वीप हैं वो आपके सामने एक साथ आ जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको मेडागास्कर दिख रहा है, ये भी हिंद महासागर का एक द्वीप है, कहां का? हिंद महासागर का। आप जानते हैं चौथा सबसे बड़ा द्वीप है हमारा कौन सा? मेडागास्कर। सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यूगिनी आता है, उसके बाद बोर्नियो का नंबर आता है, उसके बाद चौथे नंबर पे मेडागास्कर का एरिया वाइज नंबर आता है। उसके बाद आप देख रहे हैं सुमात्रा द्वीप है, ये भी कहां पे स्थित है? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, कहां पे? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहां पे? हिंद महासागर में। तो बोर्नियो हो गया, मेडागास्कर हो गया, सुमात्रा आपके सामने है। उसके बाद सेल्वीज द्वीप भी कहां का है? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। उसके बाद आपको दिख रहा है जावा द्वीप, ये भी तो कहीं से ऐसा ही लग रहा है कि हिंद महासागर में है, तो जावा भी क्या है? हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि एक साथ इसीलिए लिख दे रहा है। श्रीलंका कहां पे है पूछा जाएगा आपसे, तो ये भी हिंद महासागर में है, कोई दिक्कत नहीं है। कालीमंतन द्वीप इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का स्पेशली द्वीप कहां का है? इंडोनेशिया में स्थित एक द्वीप है, और कहां पर है? तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर का एक द्वीप है, इसमें कोई अभी तक दिक्कत नहीं है। डियागो गार्सिया द्वीप कहां पे आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये भी हिंद महासागर का एक द्वीप है,
डियागो गार्सिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है कालीमंतन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी महत्वपूर्ण सभी आप देख रहे हैं। तो बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा, सेल्वी, जावा, श्रीलंका, कालीमंतन, डियागो गार्सिया, ये सभी कहां के हैं? हिंद महासागर के द्वीप हैं, ठीक है। इसमें अभी तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है इतना आपको याद हो जाएगा कि बोर्नियो है, मेडागास्कर है, सुमात्रा, सेल्वी, जावा, श्रीलंका, कालीमंतन, डियागो गार्सिया, बाकी बहुत सारे द्वीप हैं जो आपको पढ़ना है, वो मैपिंग में हम कराएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला, न्यू गिनी आपके सामने दिख रहा है। न्यू गिनी कहां पे है अगर पूछा जाए तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, न्यू गिनी जो है प्रशांत महासागर में है। अगर थोड़ा और डीप में चले जाएं तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। कहां पे है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, ठीक, ध्यान रहेगा। महासागर प्रशांत महासागर याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होन्सू आप देख रहे हैं, होन्सू कहां पे है? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। चलिए महासागर में ही लिख लीजिए सीधे, प्रशांत महासागर में है। जापान का द्वीप है आप जानते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है, ठीक है। ऐसे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कहां पे है? तो नीचे है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहां पे है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। लुजोन द्वीप बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है। प्रशांत महासागर याद कर लेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है, हमने आपके लिए इकट्ठा एक साथ कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे मिंडनाओ, मिंडाओ है या मिंडनाओ भी लिखते हैं इसको, यहां पर मिंडनाओ लिखा होगा, ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं मिंडनाओ। मिंडनाओ जो द्वीप आपको दिख रहा है ये भी कहां का है? पश्चिमी प्रशांत महासागर का है, ध्यान रखिएगा। कहां का है? पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, भूलिएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। हैकेडे द्वीप आप जानते हैं, जापान का द्वीप है। कहां पे है? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, लेकिन प्रशांत महासागर में है ये जरूर ध्यान रखिएगा। कहां पे? उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। ऐसे सखालीन द्वीप है, ये भी कहां पे है? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है, सागर मतलब, ये लिख लीजिएगा। अब जरा सा देखिए आप, ये जो जितने आपने देखे अभी तक, चाहे वो न्यू गिनी आपने देखा हो कहां पे है? प्रशांत महासागर में। होन्सू कहां पे है? प्रशांत महासागर में। न्यूजीलैंड कहां पे है? प्रशांत महासागर में। लुजोन कहां पे है? प्रशांत में है। मिंडनाओ कहां पे है? प्रशांत में है। हैकेडो कहां पे है? प्रशांत में है। सखालीन कहां पे है? प्रशांत महासागर में। तो ये लगभग जो मेन महत्वपूर्ण द्वीप है मैंने उनको मेंशन यहां पे कर दिया है और आपको याद कर लेना चाहिए। आगे आइए देखिए, फैरो द्वीप समूह खूब पूछा जाता है पेपर में, ये नॉर्वेजियन सागर और अटलांटिक सागर के मध्य स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको सीप आइसलैंड भी बोलते हैं, सीप आइसलैंड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कहां पे है? कह सकते हैं अटलांटिक में है, लेकिन नॉर्वेजियन अटलांटिक के मध्य में है, तो अटलांटिक महासागर में, ठीक है। नॉर्वेजियन और अटलांटिक महासागर जो है उसके बीच में है, नॉर्वे के उत्तर में आप देखेंगे नॉर्वेजियन सागर है, उसी के पास में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड कहां पे है आपसे पूछा जाएगा, तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत अटलांटिक महासागर में, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, बरहर आप अटलांटिक याद रखें, जरूरी यह है, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं। आइसलैंड की लोकेशन अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, आर्कटिक रेखा पर भी पड़ता है आप जानते हैं, ध्यान से रखिएगा। अगला दिख रहा है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है, ग्रेट ब्रिटेन कहां पर है? तो ये भी क्या बताएंगे आप, जो आपने आइसलैंड को बताया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला है फॉकलैंड द्वीप समूह आपसे पूछेगा, ये भी अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप है, ठीक है। ये सब खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और चाहे वो फैरो हो, न्यूफाउंडलैंड हो, आइसलैंड हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, फॉकलैंड हो,
ये सभी जितने द्वीप आप देख रहे हैं, ये सभी द्वीप जो हैं कहां पे हैं, अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप हैं। आगे आ जाइए, क्यूबा, क्यूबा एक द्वीप है आप जानते हैं, मैक्सिको के पूर्व में स्थित है, तो कहां पे होगा, कैरोबियन सागर में स्थित द्वीप है। कहां पे, कैरोबियन सागर, कैरोबियन सागर में स्थित द्वीप है जो अटलांटिक का ही भाग है, ठीक है। कैरोबियन सागर स्पेशली पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, ऐसे आपसे पूछेगा ग्रेनेडा कहां पे है, तो ये भी कैरोबियन सागर में स्थित एक द्वीप है। किसमें, कैरोबियन सागर में स्थित द्वीप है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बलियारिक द्वीप समूह आपसे खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट के तौर पे लिखिएगा कि बलियारिक द्वीप समूह कहां पे है आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये भूमध्य सागर का एक द्वीप है, भूमध्य सागर, ट्यूनीशिया के ठीक उत्तर में आप देखेंगे, मेडिटेरियन सी, ठीक है। अगला है सेंट मार्टिन द्वीप आपसे पूछेगा, सेंट मार्टिन द्वीप पूछेगा कि कहां पर स्थित है सेंट मार्टिन द्वीप, तो आप बता सकते हैं कैरोबियन सागर या अटलांटिक भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़ा सागर वही है, महासागर है, कैरोबियन सागर है, जहां पे कैरोबियन लिखा हो अगर वहां पे अटलांटिक बैठ जाए, कैरोबियन ना आ रहा हो तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे ले चलते हैं, अगला है मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया से मिलकर बना होता है, द्वीपों का द्वीप कहते हैं ओशिनिया को, द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट को। उसी के तीन आपको जो मेलेनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं खूब पूछे जाते हैं, जैसे न्यूगिनी है, बिस्मार्क है, सांता क्रूज है, इन सब की मैपिंग हम कराएंगे मैपिंग वाले सेक्शन में। वनवातु है, सोलोमन है, फिजी है, न्यू कैलिडोनिया, ये सब मेलेनेशिया के द्वीप हैं। पोलिनेशिया के देखेंगे समोआ है, टोंगा है, कुक है, तुवालु है, ये तुवालु है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, ये सब पोलिनेशिया के द्वीप हैं। माइक्रोनेशिया का कौन सा है, कैरोलिन है, मार्शल है, पलाऊ है, ये सभी द्वीप जो हैं किसके हैं, माइक्रोनेशिया के हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे आइए, थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं द्वीपों के बारे में। सबसे बड़े द्वीप जो हैं उनमें आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यूगिनी आता है, उसके बाद बोर्नियो आता है, उसके बाद मेडागास्कर, तो चार बड़े जो हैं द्वीप आपके सामने नजर आ रहे हैं ये, ठीक है। पेन थोड़ा सा बदल लिया जाए। अगला, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आप जानते हैं आसाम में स्थित माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, आसाम में है, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप खूब पूछा जाता है, जावा है, जो हिंद महासागर में है। सर्वाधिक द्वीपों का देश इंडोनेशिया को कहते हैं, लगभग 17,000 से ज्यादा यहां पर द्वीप हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व का सुदूरवर्ती अधिवासी द्वीप बावेट द्वीप को कहते हैं, बावेट द्वीप को सबसे दूर अधिवासी द्वीप है। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, ये प्रवाल है, प्रवाल भित्ति वाला ग्रेट बैरियर रीफ है। ऐसे सबसे बड़ा प्रवाल वलय कहां पे है, तो क्वाजलिन एट जो एटॉल है वहां पर स्थित है, ठीक है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हिंद महासागर का बोर्नियो है, ठीक है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होंसु है। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप जो है लुजोन है, खूब पूछे जाते हैं अलग अलग, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद न्यूगिनी, उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर। हिंद महासागर का पूछेगा तो बोर्नियो सबसे बड़ा हो जाएगा, जापान का पूछेगा तो होंसु हो जाएगा, फिलीपींस का पूछेगा तो लुजोन हो जाएगा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ये बोर्नियो है, ध्यान रखिएगा, उसी को बोर्नियो, वही वाला बोर्नियो, ठीक। बोर्नियो द्वीप तीन देशों में विभाजित है, ध्यान रखिएगा किन किन देशों में, तीन देशों में विभाजित है, किन किन देशों में, ये आपको मैप में दिखाएंगे। भारत का सबसे बड़ा मध्य अंडमान है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। भारत का दक्षिणतम द्वीप ग्रेट निकोबार है, ध्यान रखिएगा। ये हुआ आपका द्वीपों के बारे में, लगभग शॉर्ट में 10 मिनट में सभी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।